छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल गुरुवार को दुर्ग जिले के कुरुद स्थित चंदूलाल मेडिकल कॉलेज का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मरीजों के वार्ड में पहुंचे और मरीजों का हालचाल जाना। औचक निरीक्षण के बाद मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में बेड की संख्या 830 है। मेडिकल कॉलेज में मरीज कम है, डॉक्टर की भी कमी है। एक माह पहले 36 डॉक्टर दिए गए हैं। उपकरण के लिए मैं एक प्रदेश स्तरीय टीम भेज रहा हूँ। मरीज के लिए सड़क की भी दिक्कत है, लाइट भी नहीं है, सुरक्षा की भी कमी है। इन सारी चीजों को हम पूरा करेंगे। आने वाले समय में ये हॉस्पिटल दुर्ग क्षेत्र का महत्वपूर्ण हॉस्पिटल रहे। इस दौरान सीसीएम शासकीय मेडिकल कॉलेज के डिप्टी डायरेक्टर कुलदीप सिंह ने कहा कि अस्पताल में जो भी कमियां हैं जल्द ही दूर कर दी जाएगी। हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, जो नहीं है उस पर काम किया जाएगा। क्योंकि ये पिछले सरकार ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को हायर किया, लेकिन इस पर संसाधन इस प्रकार से होना चाहिए, इन्होंने कोई विकसित नहीं किया। अभी मरीजों की संख्या बहुत कम है, उपकरण की भी कमी है। हमने अभी 36 डॉक्टर अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ दिए हैं, ताकि यहाँ लोगों की जो मरीजों की संख्या है आईपीडी और ओपीडी बढ़ सके। ये रायपुर के लोड को भी कम करने वाला हॉस्पिटल है, इसको आने वाले समय में हम विकसित करेंगे। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण उपकरण भी नहीं है, सीटी स्कैन भी यहाँ नहीं है। उसके लिए 8 करोड़ रुपए की लागत से जो सीटी स्कैन मशीन है उसको हम प्रोवाइड कराएंगे। उसकी मैं अभी विधायक जी ने मांग किया है, उसको मैं देने का स्वीकृति भी प्रदान करता हूँ। साथ ही ट्यूबलर पोल रास्ते में जो अंधेरा दिख रहा है उसको भी लगाया जाएगा। पीछे से गांव वालों के आने के लिए रास्ते की भी समस्या है, उसको भी जिला प्रशासन को पूरे उसके एस्टिमेट वगैरह बनाने हेतु निर्देशित किया है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ है, इतने बड़े हमारा मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है 830 बेड का, वो बेडें पूरी तरह से कैसे भर सकें उसके लिए कार्य योजना के लिए कल हम प्रदेश स्तर के अधिकारियों को कल या परसों एक दो दिन में हम भेज रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। 1 लाख स्क्वायर फीट के 4 फ्लोर 3 फ्लोर हैं, नीचे बेसमेंट है। 200 कैपेसिटी का मेडिकल कॉलेज का अलग कैंपस है। पूरे NMC के इंस्पेक्शन हुए हैं और सुविधाओं में जो सुधार, बाकी आप लोग को पता है रोड वगैरह जो इश्यूज़ है। हमारे पास 2 डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन है एट प्रेजेंट, 5 OT फंक्शनल हैं। 1 OT पूर्णतः नेत्र के लिए डेडिकेटेड है, 1 OT पूर्णतः प्रसूता के लिए डेडिकेटेड है, उसको छोड़ के 1 OT इमरजेंसी OT है, 1 OT ऑर्थो OT है, जिसमें हड्डी के रोग की संबंधित जटिल बीमारियों का इलाज हो रहा है। कमियां हैं हमारे यहाँ, उसमें जैसा निर्देश मिला है उस पर हम कार्य करते हैं। स्टाफ के इश्यूज हैं और बाकी एक्सेस रोड का इशू है, वो उस पर डायरेक्शंस मिली है। इस हफ्ते सोमवार को हमारे इंस्टीट्यूट की 616 की OPD थी, आज सुबेरे की हमारी 383 की OPD है। IPD में हमारे मरीज कम हैं, पर हमारा OPD का फुटफॉल बहुत अच्छा है। पिछले हफ्ते हमारी 717 एक ही दिन की OPD थी। तो जनमानस का विश्वास हमारे अस्पताल की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ेगा,